हाँ हेलो तारिक, कैसे हो भाई? अरे तारिक साहब, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और तारिक कहाँ हो भाई तुम? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, कहाँ हो तुम? गायब रहते हो सर यार, क्लास में भी नहीं आए क्या? सर वो मैम मना कर देती, मैम बोले थे लेफ्ट हो जाओ, क्यों क्या मालूम, मैम मैम, क्यों मना कर रही? मना कर देते सर। चलो म्यूट कर लो, म्यूट किया करो हमेशा। हाँ वालेकुम अस्सलाम, रही म्यूट कर लो और तारीख म्यूट कर लो। हाँ चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तुमको मैं लेक्चर भेज दूंगा तारीख, आप क्लास करना है तो रेगुलर करोगे तभी समझ में आएगा। शुरू में इतनी क्लास मिस होगी तो फिर कॉन्फिडेंस लॉस होता जाएगा, अल्टीमेटली फिर तुम कहोगे नहीं समझ में आया। खैर चलिए, हम लोग कहाँ तक एनालाइज किए थे बताइए। रहीम सादिक कहाँ तक एनालाइज किए थे? नंबर सर ऑफ हमने एटम, मोल कंसेप्ट कर लिया था, फिर वॉल्यूम डेंसिटी के क्वेश्चन भी कर लिए थे। यस नहीं, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना सीखा था, यही ना? सर, यस सर। एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ हाँ एटम। हाँ हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन करने के बाद हम नया कंसेप्ट आपको बताएंगे। चलिए लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास 0.2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, बी पार्ट है 0.1 इंटू एन ए का मतलब एवोगैड्रोस नंबर है, आपको ऑप्शन के फॉर्म में दे रहा हूं मैं, आपके पास से 0.4 एन ए है, डी ऑप्शन नन है, आराम से निकालना। पहला क्वेश्चन है, किसी का कोई भी नहीं छूटा है, अलमाई अफंदी उमर रिजवान आराम से क्वेश्चन को दीजिए। जी इसके बाद हम नए कंसेप्ट पढ़ाएंगे। अब देखो ये क्लास अब आपकी फिक्स्ड हो गई, ट्यूसडे थर्सडे को 4 से 5:30 केमिस्ट्री होगी। अभी शुरू में 2 क्लास होगी, फिर भी उसके बाद फिर हम आपको एक आध 2 क्लास और बढ़ाया जाएगा, समझा है कि नहीं? ओके, ये ट्यूसडे थर्सडे आप एकदम, आप किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ जब कोई कुछ होगा तो आपको मैसेज चला जाएगा। ट्यूसडे थर्सडे 4 से 5:30 केमिस्ट्री क्लास। ओके नम्रा, समझ गई आप? यस सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए, पहला ही क्वेश्चन है, उसके बाद नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो पहला काम मोल्स निकाला, मोल्स कितना आया किसी को मालूम? सर 0.1 मोल। हाँ वेरी गुड, गिवन मास बाय मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास 2 + 32 + 64 98 ग्राम आएगा। गिवन मास बाय मोलर मास हो गया, ये आपके पास हो गया 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम पूछा है, तो 0.1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू एटोमिसिटी, तो 0.1 एन ए आया, सो द बी ऑप्शन। बताइए अलमाई उमर सादिक सर यही था। सबको समझ में आया कि नहीं आया? जी आ गया। वेरी गुड। ए अलमाई, मेरी आवाज आ रही है अलमाई अफंदी? यस सर आ गया समझ में। ठीक चलिए, अब आइए नए कंसेप्ट। तारीख तुम्हें भले समझ में ना आए लेकिन प्लीज रहो, क्लास रेगुलर करते रहो। मैं तुम्हें आज वीडियो लेक्चर भेज दूंगा लेकिन रेगुलरिटी के साथ क्लास करो, ठीक है? मैं मैम से पूछूंगा, मैम ने तुम्हें, हाँ मैम ने तुम्हें क्यों लेफ्ट करने को कहा भाई? चलिए पिछली क्लास में तुम आए नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलिए अब आइए एक नई चीज की तरफ, हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे।
और से सुन। अच्छा मैं उस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपकी एक बात बताना चाहता हूँ, बताइए ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं ऐसे वाइवा के हाँ बोलिए सॉरी एट होते हैं। हाँ देखो अगर तुमसे पूछा जाए ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन तो जो इसका एटॉमिक नंबर होता है एट, तो आप पढ़ चुके हैं ना एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन भी एट प्रोटॉन भी एट, कोई डाउट है किसी को? पहले हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं तब उस स्टूडेंट को मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा ना, डाउट रहता ही रहता है, इसलिए मैं उस क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन में लिखना नहीं है, इलेक्ट्रॉन आठ प्रोटॉन आठ, ठीक है भाई चलिए अच्छी बात है। कार्बन में बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक कार्बन में बताओ? सिक्स, प्रोटॉन भी सिक्स, सबको समझ में आ रहा है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बोलो सब लोग आ रहा है नंबर सबको? यस सर। हाँ इसकी इम्पोर्टेंस सभी समझ में आएगी, थोड़ा सा मैं आपको चाहता हूँ कि पूरी तरह अच्छे से आए इसलिए मैं थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूँ। अच्छा अब बताओ ओ टू माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो सुनो एट नहीं, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट, निगेटिव का मतलब होता है गेन करना है, इसको कहते हैं एनायन, पढ़े हो गए नाइन टेंथ में एनायन। यस सर। एनायन कैसे बनता है, गेन करके, तो 10। अब प्रोटॉन 8 का 8 ही रहेगा, दोनों में आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होते, यहाँ पर चार्ज न्यूट्रल है, देखो प्रोटॉन निगेटिव पॉजिटिव चार्ज बराबर है इसलिए ये न्यूट्रल, कार्बन प्रोटॉन, अब यहाँ पर चार्ज आने का मतलब है कि देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2, इसलिए 2 निगेटिव, इसलिए मैं पहले पढ़ा देता हूँ कि जब मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का न्यूमेरिकल कराऊं तो कम से कम ये तो मालूम हो कि एक O2- में कितने इलेक्ट्रॉन है, समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताओ सर? यस सर। हाँ अब सुनो अच्छे से, लिखना मत, Na प्लस है, इसको कहते हैं केटायन, देखो इलेक्ट्रॉन सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11, केटायन में माइनस करो 10, केटायन फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब प्रोटॉन कभी लॉस और गेन नहीं होता, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, वो जेल के अंदर है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है इसलिए उसको लॉस और गेन किया जा सकता है, तो ये 11 का 11 ही रहेगा, बोलो आया समझ में हाँ या ना? यस सर आ गया। हाँ अब सुनो ये ऐसे ऐसी था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, देखो Mg प्लस 2 है तो बताओ आयन हो गया, क्या आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होगा, बोलो यस। अरे यस, क्या आयन नहीं होगा, नहीं सर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम होगा, हाँ कम हो ज्यादा वो अलग है, अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 माइनस 2 कर दो, समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर आया। अब प्रोटॉन 12 का 12 ही रहे, समझ में आ रहा है? यस सर। तो प्लस पे हम माइनस करते हैं, माइनस हम प्लस, ये इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, केटायन पेज के ऊपर कहीं पर साइड में लिख लीजिए, पेज के ऊपर केटायन फॉर्मड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को माइनस करके, अब जैसे आप याद करें एनायन पेज के ऊपर लिख लें, गेन फॉर्मड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेज के ऊपर कहीं साइड में लिख लें क्या पूरा, आप देखिए थोड़ा और अच्छी चीज पढ़ाई यार, मैं मुझे मालूम है ना इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को बहुत डाउट रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का रफली थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूँ कि मेन न्यूमेरिकल में आपका डाउट खत्म हो जाए। ओके स्टूडेंट चलिए लिख लिया। यस सर जी। आप सुनिए जैसे अगर आपको मैं कहूँ वाटर, मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ या आयन कुछ भी लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सुनो कैसे निकाले, अब कंपाउंड का है कुछ भी नहीं करो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 2, 10, सबको इंडिविजुअल उसके एटॉमिक नंबर को जोड़ो,
वाटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी 10 ही रहेगा। अमोनिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। कोई पूछे एक मत, देखिए नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बता देते हैं, यही पूछ देता है अमोनिया तो हाथ थरथराने लगता है। नहीं क्यों नहीं, आप इंडिविजुअल सबको ऐड करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का 1, 3, 10, तो प्रोटॉन भी 10। बोलो आया सबको समझ में, आ रहा है ना? हेलो हेलो हेलो, यस सर, यस। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे यही सब काम देगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऊर्जा 22, इसमें भी प्रोटॉन भी 22, क्योंकि न्यूट्रल, ये सब कंपाउंड न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल न्यूट्रल, नेगेटिव पॉजिटिव बराबर। अच्छा अब सुना, अब तुम्हें दे दे कार्बोनेट है, अल्लाह नहीं बनेगा। अरे भाई क्यों नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो मैं बता रहा हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, 8 3 24, एनायन रहे ऐड करा दो 32। बोलो 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 ना जी, हेलो आया समझ में जी? यस सर। हाँ आपको एक है प्रोटॉन बताओ, कुछ नहीं, 6 + 24 = 30, प्रोटॉन लॉस और गेन नहीं होता, 30 एटॉमिक नंबर के बराबर। अरे बोलिए ना कुछ तो बोल दीजिए, हाँ या ना? यस सर। अब अमोनियम आयन दे दिया, कहेगा एक अमोनियम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का 1 तो 4, और एक पॉजिटिव घटा दीजिए 10। प्रोटॉन बोले 7 + 4 = 11। सच सच बताइए आपको कंपाउंड का भी आप निकाल लेंगे कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस सर। ये मैंने जान, देखिए ये मैंने जानबूझ के बता दिया, अब इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। आप तुमको क्वेश्चन क्या पूछ देगा सुनो, अच्छा पहले इसको इसको तुम लिख लो कि तुम्हें काम देगा, इसको तुम लिख लो प्लीज, इसको लिखो, इसको लिख लो। अब तो पूरा कंफर्म हो गया ना, कंपाउंड और सिंगल एटम आयन का कैसे निकालोगे, सबको समझ में आ गया? Has everyone noted down? जी, लिख लिया। अच्छा आपने लिख लिया, अब सारे लोग उसी के नीचे लिखिए CH4 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताइए सारे लोग एकदम आराम से। टेन, हाँ सबका 10 आंसर आया, 6 + 4 = 10, प्रोटॉन भी 10। अच्छा PO4 3-, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए एटॉमिक नंबर आना चाहिए। बहुत सारे लोग जल्दी में एटॉमिक मास ऐड कर देते हैं, गलत नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए हमें एटॉमिक नंबर आना चाहिए। फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए क्या नंबर, क्या कौन सा क्या चाहिए, जल्दी बोलो, एटॉमिक नंबर। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे तारे, बहुत अच्छे आदमी। 47 और 44। अच्छा 15 + 4 = 24, 4 × 8 = 32 और +3, तुम अजीब आदमी हो यार, नेगेटिव में ऐड होता ना 50। अरे बोलो सबका आया आंसर? यस सर। यस सर। यही यही सब गलती की वजह से पहले पढ़ा रहा हूँ, वरना सारे लेक्चर में तुम कहते कि सर ये वाला हमको समझ ही में नहीं आया। जोर से बोलिए सर, PO4 है सर, 15 के 32 की जगह 64 ऐड होगा। नहीं अरे
अजीब आदमी हो यार, देखो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, हाँ या ना जल्दी बताओ जी। और ऑक्सीजन कितने हैं? फोर है ना, तो 4 8 32 नहीं होता है, और नेगेटिव की वजह से 3 ऐड नहीं होगा। क्या बोल रहे हो रहीम? सॉरी मैं एटॉमिक मास जोड़ रहा था। हाँ तो यही सब है, यही हम टीचर हम डॉक्टर है ना, इसी वजह से ये टेबल बना रहा हूँ, वरना कोई भी नुमेर। इसलिए प्यार हम उस वक्त से चिल्ला के कह रहे हैं एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लो, एटॉमिक नंबर नेगेटिव रहे तो ऐड करो, अब कुछ स्टूडेंट घटा रहा है, इतना टेबल बनाने के बावजूद भी ये हाल है, तो भाई उनके लिए तो दुआ ही की जा सकती है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए, समझ में आया? यस सर, यस सर। मैं डॉक्टर हूँ इसलिए कि क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं मॉलिक्यूल सिंगल एटम सिंगल आयन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सिखा दिया। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, अब गलती करोगे तो उसमें तुम्हारी है प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमारा काम था समझा देना। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर। आप सुनो, प्लीज सुनो, आज के लेक्चर में हम यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मोल की मदद से निकालना चाहेंगे। प्लीज हम बेसिक कंसेप्ट से समझाएंगे, अब कोई लिखेगा नहीं, सारे लोग समझोगे। आपको कोई कहे कि वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का क्या मतलब होता है, आप झट से कहिएगा 6.022 × 10³ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। क्या इसमें किसी को अभी भी डाउट, किसी को अभी भी डाउट है इसमें? जल्दी बताइए। नो सर, सर ये बताते हैं। हाँ हाँ, नहीं हमें रिवीजन करा रहे हैं, सबको मालूम है ना? हाँ या ना जल्दी बता दीजिए। यस सर मालूम जी। आप सुनिए, जो लोग म्यूट अनम्यूट है म्यूट रहा कीजिए प्लीज। हाँ आप ध्यान दीजिए, जैसे अगर पूछा वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर आपसे पूछा जाए नंबर, ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम ही रहेगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। वन मोल, वन मोल का मतलब एवोगैड्रोस नंबर। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया? बोलिए सारे लोग। यस सर, यस सर। अब बताओ एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, एट, तो एट से भी मल्टीप्लाइड करेंगे, इसीलिए ये सब टेबल सिखाया है मैंने। अरे बोलिए ना, आया समझ में? आया? यस सर, यस सर। या उस एटम में, उस कंपाउंड में, उस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मोल देकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछा तो। अरे बोलिए हाँ या ना? कोई समझ नहीं आया मुझे। हाँ क्या नहीं समझ में आया, जल्दी बोलो। हमारा ये आपने वन क्यों लिया है मोल, उससे पहले एवोगैड्रो नंबर से पहले? वन मोल है तो वन ले लिया, टू मोल होता तो टू लेते, थ्री मोल होता तो थ्री से मल्टीप्लाई, एक दर्जन में 12 तो दो दर्जन में 2 × 12 नहीं करोगे क्या? अरे बोलो मेरे भाई। और 8 हमने उसका एटॉमिक नंबर। नहीं नहीं, आप इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछा, वन क्यों लिया बताइए, व्हाई दिस क्वेश्चन अराइजेस? वन मोल का मतलब वन ही ना लेंगे उमर, टू मोल का मतलब टू लेंगे ना, थ्री मोल का मतलब 3 × करेंगे ना, फोर मोल का मतलब 4 × करेंगे ना, जैसे जैसे सीख है आप पीछे की तरफ आ रहे हैं। वन मोल वन इंटू है, मैं मेरा काम है, मैं वन से नहीं चाहता मल्टीप्लाई करना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर हो कि वन मोल तो वन इंटू, टू मोल तो टू इंटू, थ्री मोल तो 3 × 4 मोल तो 4 × 5 मोल तो 5 × एवोगैड्रो। बोलिए आया? तो आया ये ना? हमने एक मोल ऑक्सीजन के में इतने वो होते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, या प्रोटॉन भी इतने ही होंगे ना, चूंकि एटम न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे। ओके समझ में आया सबको, कि अभी भी कोई डाउट है जल्दी बताएं? यस सर समझ में आया। यस सर, यस जी। अब सुनो अच्छे से प्लीज, अगर आपको कोई कहता है वन मोल, पहले एकदम प्रैक्टिस करें, नाइट्रोजन एटम मोल पूछा है और कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालो, तो पहले चेक कर लेंगे न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होगा, वन मोल वन मोल का मतलब एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड। अब स्टूडेंट भूल जाता है नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 से मल्टीप्लाई। अब कोई जिसका प्रेजेंस माइंड नहीं रहेगा कहेगा सर 14, अरे पगलैट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए हम एटॉमिक नंबर को लेते हैं,
फिर तुम इतने नंबर से ना मल्टीप्लाई करेंगे. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर जी. यस हाँ. आप सुने 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 सुने, अगर मान लिया आपको दे दे 2 मोल ऑफ O2 माइनस में, अब बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? जल्दी डिफरेंट होगा. डिफरेंट होगा. वेरी गुड वेरी गुड. अब सुनो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? हाउ मेनी मोल? जल्दी बताओ सारे लोग. सर 2 मोल. 2 इनटू एवोगैड्रोस नंबर होगा. जल्दी बोलो. बोलना नहीं है, बोलना नहीं है. क्यों बोला? क्यों बोला? हम समझा रहे, मुझे समझाने दीजिए. जब मैं क्वेश्चन दूंगा तब ना, जब क्वेश्चन दूंगा सॉरी ओ शिट फलाना शिट गलती हो गई. टीचर समझा रहा, उसकी बोली पर पीएचडी करें. लबर लबर आके नहीं बोला करें. सारे लोगों से रिक्वेस्ट है समझें अच्छे से, भले आता हो पेशेंस रखें क्लास में. टीचर देगा प्रैक्टिस के लिए तो उस वक्त फिर गलती होगी. आप सुनते नहीं है कंसेप्ट को, इसलिए गड़बड़ाते हैं सब. आप 11th में हैं, यूपी और बिहार में इसको कॉलेज कहा जाता है, इंटरमीडिएट कॉलेज. सीबीएसई में हायर सेकेंडरी. आप लेक्चर को अच्छे से सुने प्लीज. भले आता हो पेशेंस रखें, टीचर कैसे समझा रहा है. फिर से सुने, 2 मोल ऑफ O2 माइनस, 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर. अब O2 माइनस है, इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. बताइए किसी को डाउट? आप बताइए. नो सर. नहीं. हाँ चुपचाप सुने लेक्चर को प्लीज. हम बेसिक से हाई लेवल चलते हैं, तो कोई स्टूडेंट के पास बहाना ना रहे कि हमको कोई डाउट है. सुना करें, पेशेंस रखें, आगे आगे मत बोलें. सारे स्टूडेंट का ख्याल रखें. सब को बच्चा जल्दी समझता है, कोई थोड़ा लेट से समझता है, तो मैं सबका ख्याल करते हुए पढ़ाता हूँ भाई, इसलिए कोई को डिस्टर्ब ना हो. प्लीज पेशेंस रखें. चलिए सबको समझ में आगे बढ़ें. जैसे प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 2 इनटू, कोई नहीं बोलेगा एवोगैड्रोस नंबर. तो एनायन है, चाहे एनायन हो, न्यूट्रल हो, केटायन हो, प्रोटॉन हमेशा फिक्स्ड है. प्रोटॉन ना लॉस होता है ना गेन होता है. तो ऑक्सीजन का प्रोटॉन 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. सच सच बताइए, सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर. अलमाई नम्रा उमर रहीम. आप बोलिए. yes, आप क्यों नहीं, जहां बोलने का होगा तो बोलते नहीं है. बोलिए, समझ में आ रहा है ना? जी, समझ में आ गया. यस यस. चलिए पीएचडी कीजिए, पीएचडी लिखिए यहां से आप. अरे तारीख आ रहा है तुमको? यस सर. माशाल्लाह माशाल्लाह. सादिक भाई आ रहा है आपको? यस सर. रहीम खान आ रहा है? यस सर. माशाल्लाह. आगे बढ़ें. यस सर. लिख लिया? नो सर. लिख लिया? बताइए. लिख लिया. चलिए आप सुनिए. अच्छा बताइए, ग्राम आयन का क्या मतलब होता है? मॉलिक्यूलर मास.
अब बोलिए मुझे इतनी हंसी आ रही भाई। अच्छा चलिए, मैंने एक दिन बताया था मोल के तीन नाम, मोल इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटम, अरे याद आया, मोल इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम मोलेक्यूल, मोल इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम आयन, तो 3 ग्राम आयन का मतलब हुआ 3 मोल। अरे यार रहीम खान कहाँ हो तुम यार तो इतनी हंसी आ रही है उस वक्त से, समझ में आया सबको, हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर आ गया। रहीम खान आ गया। यस सर। यही होता है कि आप लोग क्लास में आ गया के बोलते हैं और जब पूछा जाता है तो बता नहीं पाते हैं। ये सब सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, 11th 12th सेल्फ स्टडी मांगता है, सेल्फ स्टडी कीजिए वरना भूल जाइएगा, तेज दिमाग होता है, चलिए कोई टीचर समझा रहा आपको जल्दी आ रहा है ये तो है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी भी करना है कि परमानेंटली कब रहे 3 ग्राम आयन। तो देखिए आपको अगर कहेगा 3 मोल 3 into Avogadro's number into आप रफ का इस्तेमाल करेंगे, N3 minus 7 plus 3, क्या मैं सही कह रहा हूँ, जल्दी बोलिए। यस सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन कहेगा तो भाई फिक्स रहेगा प्रोटॉन तो 7 का 7 ही रहेगा, जिन लोगों को नहीं मालूम है वो लिख लें, केमिस्ट्री में मोल के तीन नाम, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, 3 ग्राम आयन का मतलब 3 मोल ऑफ N3 minus। अलमई अफंदी समझ में आया? यस सर। चलिए अब हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, अब आप तैयार हैं तो बोलिए, तैयार हैं तो बोलिए। यस सर जी ठीक है। यस सर वेरी गुड, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्या ऐसी कर, आप हमेशा यही क्वेश्चन पूछते हैं, आप कर दीजिएगा ना भाई, आप इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, ये तो आप कर ही सकते हैं ना मेरे बाबू, मैं कितनी दफा बताया हूँ आपको, सॉल्व कर दीजिए। ओके बोलिए, सही कह रहा हूँ, उसको सॉल्व कर लीजिए जी। हाँ ये तो आप कर ही सकते हैं ना, कि मैं भी अब सॉल्व ही करके, चलिए लिख लिया? यस सर। एक मिनट और से सुनिए कि क्या ए में मैंने क्या लिखा, 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, हमें निकालना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए सबसे पहले मोल्स मालूम होना चाहिए, मोल्स अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात, नहीं दिया हुआ तो अब गिवन मास बाय मोलर मास से मोल्स निकालेंगे कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना जी। यस यस। हां पहले मैं 6 क्वेश्चन दूंगा, आप 6 को सॉल्व करेंगे, सुना अपने बगैर कुछ किए हुए, प्लीज बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, ना जाने क्यों, जल्दी करें, पहले क्वेश्चन लिखें पूरा, बाद में ये नहीं कहेंगे हमारा क्वेश्चन मिस हो गया सर, फिर से दिखा दीजिए।
ये पांच क्वेश्चन का आप आंसर दें, समझ रहे ना? मैं छह सात आपको, मैं पांच मिनट का मतलब हुआ, मैं हर क्वेश्चन पर आपको 90 सेकंड दे रहा हूं। फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। नाइट्रोजन का तो आप जानते ही, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सब जानते हैं ना आपको? अरे बोलिए हाँ या ना। जी सर। आप इसको एकदम चुपचाप से कीजिए बगैर हंगामा।
हाँ एवरीवन डन सर एक बाकी बस अच्छा अच्छा कीजिए कीजिए चलिए अब मैं नहीं नहीं कोई आंसर मत लिखिए चलिए सारे लोग यहाँ देखिए आप अपने आंसर को मिलाएंगे पहले मैं देखूंगा पहले क्वेश्चन को 10 सेकंड रिपीट करेंगे 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो 1.6 ग्राम मीथेन में हम पहला काम मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास आया 0.1 मोल आया चूंकि ये कंपाउंड है न्यूट्रल है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स दोनों सेम ही आएगा 0.1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर और हम मीथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6+4 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर एक्यूरेटली 10 इंटू यही आएगा एवोगैड्रोस नंबर ही के बराबर है बताइए पहला आंसर सबका सही है हाँ या ना यस सर अलमाई अफंदी तारिक नमरा उमर रिजवान सबका सही है यस सर सही है सर Very good. Thank you everyone. अब आइए बी पार्ट मैंने दिया दोबारा हम लोग देखिए आपका रिवीजन भी हो रहा है 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया अगेन हम मोल्स ऑफ अमोनिया निकाल लेंगे तो 3.4 गिवन बाय मोलर मास 0.2 मोल कोई नहीं बोलिएगा बीच में अमोनिया कंपाउंड है न्यूट्रल है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से नहीं आएगा 0.2 इनटू एवोगैड्रोस नंबर और अमोनिया में आपको मालूम है अमोनिया में हम निकाल लेंगे 7+3 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इनटू 2 हो जाएगा 12.044 10 टू द पावर 23 सच सच बताइए यही आंसर है जी चेक कर जिनका गलत हो रहा है कोई बात नहीं आपने ट्राई किया होगा सब लोग yes, चेक कर सर यही है अलमाई हाँ वेरी गुड अलमाई आपका भी यही है यही है सर वेरी गुड नमरा नमरा साइंटिस्ट यस सर ये का माशाल्लाह बाकी अल्लाह देख रहा है झूठ कोई बोलेगा अल्लाह देख रहा है अब आइए सी पार्ट में है आपके पास 9.5 ग्राम ऑफ PO3 माइनस इसमें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना है तो सबसे पहला काम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे गिवन मास बाय मोलर मास 31+64 95 0.1 मोल जी अब इसमें चूंकि ये आयन है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग आएगा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर फिर PO43 माइनस को रफ में लिखेंगे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 32+3 तो 50 तो आपके पास 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बताइए सबको समझ में आया हाँ या ना जी नंबर ऑफ प्रोटॉन 0.1 मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर 47 ही करेंगे तो 47 इसलिए मैं जानबूझकर आपको क्यों ये सब पहले अलग से सिखा दिया कि मुझे परेशानी कम हो इसलिए जानबूझ के ये सब सिखाया मैंने कि आपको बीच बीच में कोई डाउट ना रहे अब किसी को अभी डाउट है तो वो उनका पर्सनल होगा वो सीखना ही नहीं चाह रहे होंगे कि हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए हम एटोमिक नंबर को ऐड करेंगे अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे चलिए बताइए आगे बढ़े जल्दी बताइए सबका सही है जी जिनका गलत कोई बात नहीं जिनका गलत है रिवाइज कर लें देख लें कहां गलती हुई है सही है तो सही है Yeah.
बताइए आगे बढ़े रहीम खान, समझ में आ रहा है? सर आगे। अब आपके पास डी पार्ट है, डी पार्ट में आपके पास है 48 ग्राम ऑफ ओ माइनस, 48 ग्राम ऑफ ओ माइनस है। पहला काम मोल्स निकालेंगे, तो गिवन मास बाय मोलर मास, 3 मोल्स आ गए। अब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग आएगा, 3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर हो जाएगा, और O माइनस का मतलब होगा 8+1 9। सब लोगों ने किया है, बताइए हाँ या ना? नहीं, मेरा ये गलत होगा। मैंने 8 ले लिया 9 की जगह, माइनस था। क्यों उमर साहब आप इतने अच्छे अजीम शख्सियत हैं, आप क्यों गलती हो रही भाई? सर सही है बिल्कुल। हाँ तो ये आपका आपको आना मेरा सही। हाँ चलिए और सब। अरे सादिक आ रहा भाई, सादिक रही नम्रा तारिक सर आ रहा है सर, लेकिन ये गलत था मेरा तो। हाँ तो अल्लाह देख रहा है, हम क्या बोल सकते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्यों गलती हो रही भाई? पहले प्रैक्टिस भी करा दिया फिर भी गलती हो रही है, इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता। आप लोग एकदम अंधाधुंध क्वेश्चन को करते हैं, बस थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड निकाल लगाइए कि ये एनायन है कैसे होगा, और टीचर कैसे समझा रहा है एनायन है। एक मिनट में पूरा समझ आ रहा हूँ, लिख लिया सारे लोग? हाँ आना जल्दी बताइए। अब आइए ई पार्ट जो है 5.6 ग्राम लीटर है, एस टी पी पर है, तो नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर 0.25 आया कि नहीं सबको बताइए हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम ही होंगे, 0.25 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी 2 ही होंगे, बताइए हाँ या ना? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा इंटू 6.022 × 10³। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5-6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1-0 हटा दीजिए, नहीं तो 3.011। हाँ हाँ वही कुछ भी। हाँ हाँ वेरी गुड, ये आपके पास आंसर, आप जैसे भी लिखिए। सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना जल्दी बता दें? जी क्या मैं आगे बढ़ूं, सबको आ गया? यस सर। यस सर। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने आ गया ना सबको, प्लीज बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। बहुत अच्छा, अब आइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के क्वेश्चन जानते हैं आपको कहाँ मिलेंगे? फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, सेकंड चैप्टर में है। मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि वहां भी मोल ना पढ़ाना पड़े दोबारा, उस वक्त तक कहीं भूल जाएं आप, इसलिए बता दिया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, सेकंड चैप्टर। एनसीईआरटी की खास बात ये, कुछ कुछ पार्ट वो हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा दिया रहता है। अब आइए गौर से सुनिएगा, उसी सेकंड चैप्टर में ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं। अब मैं दूसरी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, गौर से सुनो। आपको मालूम है ना ऑक्सीजन का मास नंबर 16 और एटॉमिक नंबर 8 होता है, याद है सबको? हाँ या ना? मास, अरे बोलो ना हाँ या ना, सबको नहीं मालूम है क्या? हाँ यस सर। मास, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, हाँ या ना? यस सर। तो मास नंबर 16 प्रोटॉन 8, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 8। तो सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन जी। यस सर। अगर मान लो इसका मास नंबर 17 है, 8 है, तो आप कहेंगे मास नंबर। तो अगर आपको कोई कहे न्यूट्रॉन निकालो, तो सबसे पहले इसी तरह निकालोगे 17 8+n, तो n इज इक्वल टू 9। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए। एक बार और बता दीजिए। इसमें क्या बताना था? तो नाइन्थ में भाई मास नंबर क्या होता है बताओ भाई सादिक? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नहीं होता, ये भी नहीं जानते हो? होता है।
मास नंबर 16 है, प्रोटॉन 8 है, एटॉमिक नंबर होता है, न्यूट्रॉन नहीं निकल जाएगा 16-8 से। कोई कहेगा इस ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है, तो 8 नहीं हो जाएगा, 16-8 8 नहीं हो जाएगा, बोलो सर आ गया। अब देखो मान लो 17 और 8 है, डायरेक्ट बताओ न्यूट्रॉन कितना होगा, सारी जल्दी बताओ नंबर। हाँ 17-8, अब डायरेक्ट कर लो, एक तो मैं डिटेल में बता दिया, तो 17-8 9, बताओ आया सबको समझ में, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब सुनो, तुम्हें कहेगा वाटर में न्यूट्रॉन निकालना सिखाओ, सुनो इसमें भी आसान है, ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं लिखा रहे तो आप 16 ही मानेंगे मास नंबर। तो देखो अभी तुम पढ़े नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें आता है 16-8 आता है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। और हाइड्रोजन का मास नंबर भी वन प्रोटॉन, पूरे केमिस्ट्री में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन जीरो होता है, बोलो हाँ या कि नहीं सबको समझ लो। हेलो यस सर। फर्स्ट नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वाटर कितना होगा, दोनों 8+0 मैं चाहता तो डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन आपका बेसिक बहुत ही कमजोर है इसलिए जानबूझ के बता रहा हूँ, 8+0 सबको ऐड करेंगे 8। अब बताओ कंपाउंड में भी न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। इंडिविजुअल का रफ में निकाल लो, एवरी इंडिविजुअल का निकाल लो, आगे बढ़े जल्दी बताइए, गवाही दीजिए, सारे लोग आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। अच्छा बातचीत नहीं, यहाँ देखो तुम्हें कहेगा, अरे नमरा को आ रहा है, नमरा यस सर। इन D2O, D2O हेवी वाटर कहते हैं, वेयर D इज इक्वल टू H2O, ड्यूटेरियम प्रोटॉन, हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप होता है H11, H21 और H31, ड्यूटेरियम इसको कहते हैं। अब इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, देखो प्लीज मैं फिर से बता रहा हूँ सारे लोग स्क्रीन को देखो, ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं पहले, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ऑक्सीजन अभी मैंने बताया 16-8 8, बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया, हाँ या ना जल्दी बता दो जी। अब बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ड्यूटेरियम की, तो बताओ डिटोरियम का क्या होगा, 2-1 कितने न्यूट्रॉन आएंगे, 1 आएंगे, सल 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 बताओ 1 आ रहे हैं ना, सब लोग बताओ, सारे लोग प्लीज। यस सर। यस सर। ठीक है 2-1। अब बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन D2O क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ 8+, बताओ जल्दी से 8+1 × 2, भाई एक ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन है, कितने ड्यूटेरियम है, 2, तो 1 × 2। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। हेलो एवरीवन, बताओ 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 बताओ। अरे यार यस सर। अरे यार देखो ना, एक डी में 2-1 है, तो 2D है, 1 × 2 नहीं होगा, इतना कॉमन सेंस नहीं है सबके पास। अरे बताओ ना, सबको समझ में आया कि? यस सर। देखो सारे लोग आप प्लीज देखो, चलो अब तुम बताओ कौन ऐसा स्टूडेंट जिसको न्यूट्रॉन निकालने नहीं आया, जल्दी बताओ कौन ऐसा स्टूडेंट है, मैं दोबारा समझा सकता हूँ, सबको समझ में आया जी? आ गया। इंडिविजुअल का तो एकदम मास इससे घटा दोगे इंडिविजुअल का, चलो जल्दी लिखो, यहाँ से लिखो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ इस पर। अरे सादिक मियां समझ में आ रहा है, सादिक साहब? यस सर। यस सर। Thank you.
हो गया सर जी हो गया थैंक यू मुझे इसमें एक डाउट है। हाँ बोलिए बोलिए। क्योंकि H2O है तो हमारे पास दो हाइड्रोजन है अच्छा लेकिन फिर दोनों में जीरो ही रहेगा। हाँ तो दो टू इनटू जीरो जीरो ही ना रहेगा इसलिए नहीं किया। आया जी हो गया सर क्या वेरी गुड ये करें हो गया। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं सारे लोग ध्यान दीजिए प्लीज। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सारे लोग ध्यान दे रहे हैं जल्दी बताइए। यस सर। वन मोल ऑफ मैं वाटर ले रहा हूँ कहेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ उसी तरह निकालोगे जैसे कंसेप्ट है वन इंटू एवोगैड्रोज नंबर है आप बताओ अभी सुन को सिखाया एक वाटर में कितने न्यूट्रॉन है एट है बताओ ये बताओ बताओ गवाही दो है ना yes, sir. Yes, yes. एट से मल्टीप्लाई करो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट हो बताओ कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट हो बताओ सारे लोग कोई डाउट है नहीं अरे रहीम खान आते सब लोग को आ रहा है वन मोल ऑफ डी टू ओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर पूछे तो बताओ वन मोल वन इंटू एवोगैड्रोस नंबर बताओ एक D2O में कितने इलेक्ट्रॉन है दस हैं बताओ यस सर ऐसे टेन आया इसलिए मैं जानबूझ के पहले पढ़ा दिया आप सुनो सारे लोग सेकंड चैप्टर में जो NCERT ने क्वेश्चन पूछा है वो मैं बता देता हूँ उन्होंने पूछा सारे लोग सुनो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14 पहला काम है नंबर ऑफ मोल्स निकालना गिवन मास मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे मोलर मास 14 है तो 14 ग्राम लेंगे सबको समझ में आया अगर ये नहीं लिखा रहता तो 12 लेते सुना 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 बोलो yes, सारे लोग यस यस अब कोई चिल्लाएगा सर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्यों निकालना सीखा अरे सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन है देख लेना कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन वन मोल ऑफ मीथेन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन तो NCERT की खासियत है वो बहुत सारी चीजों को हर चैप्टर में नहीं देता है इस सेकंड चैप्टर में पढ़ना है अरे बोलो गवाही तो दो हाँ या ना यस सर यस सर अब देखो गिवन मास बाय मोलर मास 7 × 0.5 × 10⁻³ 5 × 10⁻⁴ ये मोल आ गया तो नंबर ऑफ देखते रहना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज द कंटू 5 × 10⁻⁴ और एटॉमिक नंबर 6 तो 14 में से 6 गया 8 से इनटू एवोगैड्रोस नंबर
इंटू इंटू एट नहीं कर देंगे, बोलिए 14 माइनस 6 नहीं कर देंगे, जल्दी बोलो। यस सर कर देंगे। यस सर। आपको क्या कहेगा 8 कैसा है भाई, इतना पढ़ा पढ़ा के थक गया मैं, मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर को घटा दोगे तो न्यूट्रॉन नहीं निकल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अंडरस्टैंड? यस। तो बताओ न्यूट्रॉन निकालने आ गया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। सर आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, जल्दी लिखे। अच्छा एक मिनट, तो ये है न्यूट्रॉन निकालना सर। हो गया मेरा, सबका हो गया, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। हेलो एवरीवन, चलिए लिखिए। C14 को हम C14 और नीचे 6 भी लिख सकते हैं ना, दोनों वाले क्वेश्चन नहीं दिया तो हम C14 लिखेंगे, एटॉमिक नंबर तो हमको मालूम है तो हम क्यों लिखेंगे, दिया रहेगा तो ठीक, नहीं दिया रहेगा तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, वो तो आपको सिंपलिसिटी के लिए लिख दिया जाता है, तो जरूरी नहीं कि हर जगह लिखा रहेगा। ओके सर, हो गया जी, मेरा नहीं हुआ है। हो गया। यस। अब आइए, अब एक नई चीज आते हैं, ये भी सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन है लेकिन हम पहले ही चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लीज सुनिए, सुन रहे हैं ना सारे लोग, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबको निकालने आ गया प्लीज कि नहीं आया? अच्छा, यस सर आ गया। अच्छा एक मिनट और, इसमें एक क्वेश्चन ये भी लिख लें, एक लास्ट क्वेश्चन फिर हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट the number of electron, calculate the number of electron which will together weigh 1 gram। इस क्वेश्चन को आप 2-3 दफा अपने मन में पढ़िए तब मैं करूंगा। calculate the number of electron which will together weigh 1 gram। क्वेश्चन को 10 सेकंड आप पढ़िए, 2-2 दफा 3-3 दफा मैं सॉल्व करूंगा कि मुझे समझाने में आसानी हो। पढ़ लिया? अब देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यही तो पूछ रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ जी। ये बहुत लॉजिकल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसलिए जान पूछ के बता दिया कि देखो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सारे लोगों को मालूम है, 9.1 × 10⁻¹ कितना होता है, कितना होता है जल्दी बताओ, 31 kg होता है कि नहीं, जल्दी बताओ सारे लोग। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन
उसको तुम ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तो 3 से डिवाइड मल्टीप्लाइड कर दोगे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। सारे लोग देखो 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम, बस यूनिटरी मेथड लगा दो, 9.1 × 10⁻⁸ ग्राम है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर जी। बस 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 बाय दिस, दिस इज द आंसर। बोलो बोलो बोलो, आया समझ में? हेलो एवरीवन, हेलो जी। ये भी एक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है तो बताइए 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 सारे लोग, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नम्रा आ रहा समझ में? नम्रा यस सर। जामिया में पढ़ाई शुरू हो गई? नो सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आप आगे चल रही है भाई। सर जामिया में तो पेपर भी हो रहा है। क्या हो रहा है? पेपर भी स्टार्ट हो गया 10th का शायद। प्राइवेट के हो रहे हैं। अच्छा फाइनल बोर्ड का? यस सर। अच्छा लिखे लिखे, अब आप एक नए पेज दीजिए। लिख लिया सारे लोग? बताइए जी। अब सुनिए एक नई चीज बताने जा रहा हूँ, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज सुनना। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज क्या निकालना, जल्दी बताओ क्या निकालना? कैलकुलेशन ऑफ चार्ज निकालना, चार्ज कैसे निकालते हैं, प्लीज सुनना अच्छे से। देखो तुमसे कोई पूछे चार्ज वन ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना हो? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, नेगेटिव में होता है लेकिन हम मैग्नीट्यूड करके ले रहे हैं, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये इतना ही होता है कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे yes, बोलो ना यार, पढ़े नहीं हो क्या? चार्ज पढ़े नहीं हो? अब बताओ, अब बताओ कोई तुमसे पूछ दे, यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। सुनना, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो वन मोल का क्या होगा, इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर दो। अरे बोलो यार, सब लोग बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 96470 कूलम, आईसी को ऑलमोस्ट ले लेते हैं बहुत सारी बुक में इतना कूलम, इसको कहते हैं फराडेस कॉन्स्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जनता? फराडेस कॉन्स्टेंट, एफ के बराबर कहते हैं। मैं फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, और सुन दोबारा 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 सुने अच्छे से दोबारा। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जल्दी बताओ? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है इसमें, किसी को दो राय तो नहीं है, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन, सादिक सादिक नमरा रहीम अफंद अलमिया। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब सुनो, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, इसको हम 1.6 × 10⁻¹⁹ को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये लगभग आता है 96470 कूलम। कहीं कहीं पर हम किसी को 96, ये एक्यूरेट वैल्यू है, 96500 कूलम देते हैं, इसी वैल्यू को हम फराडेस कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जल्दी बताइए? चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम फराडेस कांस्टेंट कहते हैं। कोई क्या फराडेस कांस्टेंट की वैल्यू
तो 96500 खुला या 96470, इसमें 30 जोड़ दोगे तो लगभग यही आ जाएगा शायद, 30 का ही कमी है ना, 30 की कमी है, अरे बोलो ना हाँ या ना, 30 की कमी है। तो लेकिन हम लगभग 9650 ही लेते हैं, ये एक्यूरेट वैल्यू है। तो कोई भी पूछे चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, तो निकालने का तरीका बता दिया, उसको डायरेक्टली अब याद कर लो, 96470 कूलम या 96500 कूलम, व्हिच इज कॉल्ड फैराडेस कांस्टेंट। सुना या नहीं सुना, जल्दी बताइए, आया समझ में? जी आ गया। यस सर। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसमें इसके एप्लीकेशन पर एक क्वेश्चन करके हम दिखाएंगे आपको। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बताइए। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। yes, चार्ज, हाँ चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फैराडेस कांस्टेंट कहते हैं, विच इज इक्वल टू 96500 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब सुनिए इसके एप्लीकेशन पर क्या क्वेश्चन देगा। रहीम खान समझ में आ रहा है आपको? yes, sir. आप देखिए चार्ज ऑन वन मोल ऑफ, सुनिए रहिएगा, सुनिएगा N3-। देखिए प्लीज सुनिए, इसके इसके आंसर देने के दो तरीके, लिखिएगा नहीं, चार्ज इज ए करंट, बताइए कितना मोल है, वन, अरे बोलिए ना वन मोल है ना, हेलो मोल है, अवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाइड। और देखिए इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फॉर्म में लिखते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹। मैग्नीट्यूड कितनी है जल्दी बताओ, 3 है, अरे 3 माइनस है ना, 3 से मल्टीप्लाई करो। तो अब बताओ इतनी वैल्यू तुम्हें मालूम है ना कि एफ के बराबर होती है, देख लो देख लो देख लो देख लो, अरे यार बोलो ना बोलो ना, इतनी वैल्यू किसके बराबर होती है, F के बराबर, के बराबर, थ्री एफ लिख देना या हाँ, ये दोनों आंसर, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बोलो तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा कि नहीं, जब तुम पहले ये सीख लोगे मेरे भाई तो ये टाइम बच जाएगा कि नहीं, बोलो ना बोलो ना। यस यस यस, वन मोल कहे तो वन इंटू अवोगैड्रोज नंबर। चार्ज फिजिक्स भी यही कहता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन की वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा फिर भी चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा फिर भी चार्ज आएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाइड करते हैं, चूंकि मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं, तो कूलम लिख देंगे। अब आपको कहेगा सर इसको सॉल्व कैसे करें, कहो यार इट इज टू ईजी, इट इज टू ईजी। अगर किसी का कंसेप्ट ये याद है तो सर ने कहा था कि 3 रहने दो, इस पूरे को लिख दो 96500 कूलम, इसको तुम दोबारा लिख सकते हो 3F। बोलो आया कि नहीं समझ में, तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा, अरे बोलो आया कि नहीं सब लोग। अब देखो जैसे तो, अरे सादिक मियां समझ में आ रहा है, सादिक मियां? यस सर, यस सर। अगर तुम्हें कहेगा चार्ज ऑन वन मोल ऑफ Mg+2, अच्छा डायरेक्ट आंसर दो दो, क्या बोलोगे बताओ, 2F, अरे बोलो ना 2F, अरे बोलो ना डायरेक्ट आंसर, 2F नहीं हो जाएगा, 2F हो जाएगा। अब लेकिन तुम्हें कैलकुलेट करके बताना है एग्जामिनर को, वन मोल वन इंटू अवोगैड्रो नंबर, अरे अलमाई या फंदी आ रहा समझ में, 1.6 × 10⁻¹⁹ फिर कोई कहेगा अरे तुम इतना सॉल्व करके दिखा दो, अरे कहो यार चुटकी में चिपका है, चुटकी में है यार ये सब क्या है, 2F हो गया, बताओ आया कि नहीं समझ। हेलो एवरीवन, हेलो, यस
जी आ गया। इसके फॉर्म में कहीं पर आंसर आपको -3f भी दे सकता है, क्योंकि नेगेटिव है दे सकता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर 3f भी आंसर है तो ये भी सही, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, लेकिन कोई साइन के साथ लिखा रहे वो भी सही है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? जी यस सर। यस सर। चलिए निकाल लीजिए। चलिए हम आज अब हम नए कांसेप्ट पर आ जाएं। जल्दी लिखिए। ये सब कुछ आपको लगा, अरे यार तुम कितना टफ पढ़ रहे हो, पहले चैप्टर में नहीं है, तो बताओ ये सब चीज कहाँ है, बताइए कहाँ है, कहाँ है? सेकंड चैप्टर। हाँ, अब जाके देखिएगा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का पहला दूसरा तीसरा, जो लास्ट में एक्सरसाइज होता है, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन इसी पर है। अब बताओ मोल पढ़ रहे हैं तो मोल इसी चैप्टर में ना पढ़ लें हम लोग? अरे बोलिए ना। यस सर। लिख लिया तो बताइए। यस सर, हो गया। लिख लिया। हो गया ना? Has everyone noted down? आगे बढ़े। चलिए अब सुनिए। तो ये हुआ आपका मोल। अब देखो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत आसान है, लेकिन इस पर अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी करेंगे। देखो मैं बात बता रहा हूँ। अब ये इसमें पीछे का कोई सारे लोग समझो। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, क्या बोला मैंने? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, इससे आसान कुछ हो सकता है? तो जब भी सुनो किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना हो तो देखो कैसे निकालोगे, और से सुनो। जिस एलिमेंट का तुम्हें परसेंटेज का है तुम उसका एटॉमिक मास क्या लोगे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ दैट, हाँ दैट एलिमेंट। अगर ऑक्सीजन का कह रहे तो ऑक्सीजन का लोगे, इनटू नंबर ऑफ दैट एटम, उसका नंबर भी लोगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। बताओ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। यस, इस चैप्टर का सबसे आसान है। देखो कैसे, अब तुम्हें कहेगा परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालो इन NaOH। तो बताओ परसेंटेज ऑफ सोडियम, बताओ सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। अब बताओ NaOH में सोडियम कितना है? 1। मोलर मास इसका निकाल लो 23 प्लस 16 प्लस 1 तो 40 इनटू 100। बोलो आया कि नहीं सबको समझ में? अच्छा इनटू 100 मैंने लिखा दिया था। तो बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन है? बताओ भाई, सबको आसान लगा? आसान लगा? यस सर। आप जैसे आपको, हाँ आप सुनिए, जा लिखिएगा नहीं। मान लो तुम्हें कोई कहे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन, इधर देखना सारे लोग प्लीज, NO2SO4 बता। तो तुम रफ में पहले पूरे कंपाउंड का मोलर मास निकाल लो, 46 32 64 142। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कह रहा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60, कितने ऑक्सीजन है? 4 डिवाइडेड बाय 142 इनटू 100, निकल नहीं जाएगा? बोलिए ना। लिखिए, मैं इस पर अच्छा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक मिनट, पहले यहाँ से चलना।
बेसिक क्वेश्चन पहले कर ले फिर हम बताएंगे। लिख लिया तो बताइएगा। स्लाइड कर दीजिए सर। क्लियर जल्दी बताइए। हो गया। मैं लिख रहा हूँ एक सेकंड। अच्छा लिख रहा है सेकंड वाले। जी हो गया। अच्छा ये आप करके देखें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप करके देखें NO2CO3.10H2। पॉइंट के बाद 10 है ना। हाँ पॉइंट के बाद 10 है स्टूडो। पहले तो उसका मोलर मास कितना है सबको बता सकता है। वन एटी एटीन टेन सा 286 आया है जी मेरा भी है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताइए कितने ऑक्सीजन का मोलर मास एटॉमिक मास 16 इनटू हाउ मेनी ऑक्सीजन इस कंपाउंड में कितने ऑक्सीजन जल्दी बताएं। बताओ आए बताइए। 4 13 4 13 10 और 3 काउंट करने भी नहीं आ रहा आपको आप लोगों को 10 इनटू ऑक्सीजन 10 और 3 13 मैं जानबूझ के इसलिए दिया क्योंकि आसान क्वेश्चन में आप लोग फंस रहे हैं। अगर इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन देता तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हाउ मेनी हाइड्रोजन नंबर आप बताइए नंबर हाउ मेनी हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड 20
20 by 286 into 100. अभी सबको समझ में आया? आप देखिए इस पर दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में करा के आगे बढ़ूंगा. किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना किस तरह करते हैं. आगे बढ़े सादिक, नम्रा और रहीम, सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताएं. यस सर. यस सर. ये क्वेश्चन आप करके देखें. नायलॉन में 43.8%. नायलॉन का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, लेकिन जिसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ ऑक्सीजन वो कह रहा है खुद, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स पर मॉलिक्यूल. कह रहा है नायलॉन में 4 ऑक्सीजन एटम है पर मॉलिक्यूल. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड? क्वेश्चन पहले लिखिए. कह रहा है कंपाउंड यूज इन मेकिंग नायलॉन, नायलॉन में 43.8% ऑक्सीजन है. नायलॉन का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, डेट द रीजन को इंफॉर्मेशन दे दिया कि देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ या ना आपको? यस सर. कुछ नहीं करना है इसमें भाई. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 × 4 मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड को एम मान लें. 4 कैसे मालूम? क्वेश्चन खुद कह रहा है ना 4 है, बोलो हाँ या ना. अरे बोलो यार. यस सर. जी जी. 43.8 है, 64 हो गया इंटू 100 by m, बस m निकल जाएगा. जल्दी बताओ हाँ या ना. तो m is equal to 6400 by 43.8. इस तरह का भी क्वेश्चन अच्छे फॉर्म में दे सकता है. अगर थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया तो इस तरह दे सकता है. बताइए सबको कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में ना आया हो? 146 ही लगभग आएगा. 146.1 है तो 146 मान लीजिए. वही कह रहा है कि जब परसेंटेज कंपोजिशन में याद रखिए, जब फार्मूला नहीं देगा ना तो खुद बता देगा कितने ऑक्सीजन है. जिसका भी परसेंटेज कहेगा ना आपको खुद बता देगा कितने ऑक्सीजन. अगर ये नहीं बताता तो आप परसेंटेज ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था. तो नायलॉन का फार्मूला ना देकर वो इंफॉर्मेशन दे दिया देयर आर 4 ऑक्सीजन है. बताइए आया सबको समझ में? जी. यस यस.